व्यूअर्स, आप देख रहे हैं रेबल सॉल्यूशन। अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कीजिए, साथ ही बेल आइकॉन बटन प्रेस कीजिए ताकि मेरे वीडियो की सीरीज आपको मिलती रहे, और अपने दोस्तों तक शेयर जरूर करें और साथ में कमेंट भी करें। व्यूअर्स, हम सब जानते हैं एमएस एक्सेल में 7 टैब्स होते हैं, जिस तरह आप देख रहे हैं यहाँ पे होम टैब, इंसर्ट, पेज लेआउट, फार्मूलाज, डेटा, रिव्यू और व्यू। यहाँ 7 टैब्स है। ये जो वर्जन है एमएस ऑफिस 2013 का वर्जन है। अगर आप 7 में ही भी देखेंगे तो उसमें भी आपको होम से लेकर व्यू तक इस तरह 7 टैब्स नजर आएंगे। एक टैब और होता है इसमें, वो है डेवलपर टैब। जिस भी यूजर्स को डेवलपर टैब के जरिए कुछ वर्क करने की जरूरत पड़ती है तब उसको एक्टिवेट किया जाता है। तो अभी हम ये नहीं देख रहे हैं कि डेवलपर टैब को कैसे एक्टिवेट किया जाए, हम देख रहे हैं इसमें कि भाई हमारे पास एक नया टैब कैसे ऐड किए। नया टैब ऐड करने के लिए हमको फाइल पे क्लिक करना होगा, ऑप्शन, कस्टमाइज रिबन, देन आपको यहां पे पॉपुलर कमांड बोल के ऑप्शन आएगा। यहां से आप ऑल कमांड्स या फाइल टैब्स आपको जो चाहिए वो यूज कर सकते हैं। तो आप यहां पे पॉपुलर कमांड ही रहने देंगे। नेक्स्ट, यहां भी आपको बहुत सारे कस्टमाइज रिबन के ऑप्शंस आएंगे, आपको वहां पे कुछ नहीं करना है। आपको आना है नीचे और क्लिक ऑन न्यू टैब। तो आपके सामने यहां पे एक न्यू टैब आ चुका है, यहां आप राइट क्लिक और रिनेम करोगे और आपके हिसाब से इसको जो भी नाम देना है वो नाम, जैसे मैं यहां पे माय टैब नाम देता हूं, ओके। नेक्स्ट आपको कस्टम नेम देना होगा, मैं इसको रिनेम करता हूं और यहां पे आप कस्टम नेम को वो एक सिंबल भी दे सकते हैं। मैं यहां पे इंपॉर्टेंट इसको नाम दिया हूं, ओके। नेक्स्ट आपने जो न्यू टैब बनाया है माय टैब नाम से, उसके अंदर एक कस्टम इंपॉर्टेंट, उसके अंदर कौन से ऑप्शन आपको रखना है तो आप वहां पे क्लिक कीजिए। लेफ्ट साइड में जो आप पॉपुलर कमांड लिए थे, आपको वहां पे चार्ट चाहिए, हेड पे क्लिक कीजिए, फिल कलर चाहिए, हेड पे क्लिक कीजिए, फिल्टर चाहिए, हेड पे क्लिक कीजिए, इंसर्ट फंक्शन चाहिए, हेड पे क्लिक कीजिए, माइक्रोस चाहिए, हेड पे क्लिक कीजिए और यहाँ ओके बोल दीजिए। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे माय टैब नाम से एक टैब आ चुका है। जब आप इस पे क्लिक करोगे तो आपको यहाँ पे जो जो ऑप्शन वहां से सिलेक्ट करते हैं आप, उस पूरे ऑप्शन यहाँ पे आपको नजर आ रहे हैं। आप चाहते हैं इसमें कि आपको माइक्रो का ऑप्शन नहीं होना तो आप फिर से फाइल में जाएंगे, ऑप्शन पे क्लिक करोगे, कस्टमाइज रिबन पे क्लिक करने के बाद आपका जो टैब है माय टैब उस पर क्लिक करोगे आप, यहां से प्लस पे क्लिक करोगे तो आप यहाँ पे इंपॉर्टेंट आपका जो ऑप्शन है यहाँ पे माइक्रो पे क्लिक करके यहां से इसको रिमूव कर दोगे और ओके। तो आप देख सकते हैं यहां से आपका माइक्रो का जो ऑप्शन था वो रिमूव हो चुका है। तो आपको इसके जरिए फायदा क्या मिलेगा, फॉर एग्जाम्पल आप होम्स के जरिए फॉर्मेट प्रिंटर, फिल कलर्स, कंडीशनल फॉर्मेटिंग और फॉर्मेट ज़्यादा यूज करते हो तो इस तरह आप हर टैब में अलग अलग जो ऑप्शंस है आपके, जैसे पिवट टेबल है, स्टोर है, लाइन है, तकरीबन आपके 7 टैब्स से आपको एक 10 ऑप्शंस की ज़्यादा जरूरत पड़ती है। तो आप अलग अलग ऑप्शंस में ना जाते हुए आप एक अपना टैब बनाकर वहां से डायरेक्टली पूरे ऑप्शन यूज कर सकते हैं। अगर आपको ये टैब को निकाल देना है तो फाइल में जाकर आप ऑप्शन पे क्लिक करोगे, सेम वही कस्टमाइज रिबन, आपका जो टैब है उस पर क्लिक करके राइट क्लिक करके आप रिमूव बोलोगे और ओके। तो आप देख सकते हैं यहां से वो टैब रिमूव हो गया है। तो ये था हमारा
एक्सेल में न्यू टैब ऐड करने का वीडियो।